सर ये क्या है कि ये कई बार ऐसे देखा बट कभी इस पे विश्वास नहीं था कि ये काम करता है कि नहीं। बट जब आपका फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था, एट दैट मोमेंट आई थॉट कि भाई कुछ तो होगा, क्योंकि पहली बार किसी का मैंने ऐड देखा ऑन हाउ टू रीड दिस एंटीना, कि सिखाने वाला कोई था नहीं इसके पहले, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस थे बट कोई सिखाने वाला नहीं था। तो कोर्स ज्वाइन किया, कोर्स ज्वाइन करने के बाद पता चला कि एग्जैक्टली पकड़ना कैसे है, रीड कैसे करना है, और इसको समझना क्या है, कैसे समझना है, सिर्फ कैसे समझना नहीं है, क्या समझना है वो जरूरी है। क्योंकि यस कैसे समझना हो तो सभी समझ जाएंगे, पर क्या समझना है जो जरूरी है वो पता चला कोर्स में आने के बाद। तो फर्स्ट लेवल में तो बहुत अच्छे से समझ गया कि क्या समझना है, फिर उसी का ही और डिटेल में जब समझना है तो लेवल टू में समझ में आया कि कौन सी एनर्जी फ्रीक्वेंसीज कैसे समझनी है कैसे रीड करनी है, और कौन उसको कैसे से काम करना है उस पे, वो लेवल टू पे समझना आता है सर। और जब उसकी और प्रैक्टिसेस करते हैं, और ऐसा मेरा मानना है, अगर आप मेडिटेट करते हो या आप अपने नेचर को चेंज करके कंट्रोल रखते हो, तो ये इसकी सिंकिंग बहुत जल्दी होती है आपके साथ। सो दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व विद दिस कोर्स, कि क्या सीखना, कैसे सीखना और कैसे इम्प्लीमेंट करना इन अ सिस्टमेटिक वे जो स्टेप रिजल्ट बाय स्टेप ओरिएंट करता है, या स्टेप बाय स्टेप जो रिजल्ट देता है। रिजल्ट देगा, बरोबर। तो यस वो मैं आप समझा, वो कोर्स सीखा। ज्वाइन करने से पहले और कोर्स करने पे, है ना, अभी जो आपका 1.5 महीने से 2 महीने से आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है, तो उसमें क्या फर्क आया आपको एंटेना के वर्किंग में? सर एंटीना के वर्किंग में इतना फर्क आया कि आप पता चलता है कि हाँ ये चीज बोगस नहीं है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल टूल टू आइडेंटिफाई द एनर्जीज, बी इट ओके ह्यूमन, बी इट अ ह्यूमन बीइंग और एनी ऑब्जेक्ट। ओके तो कई बार अभी कुंडली रीड करते हैं तो कुंडली भी रीड करने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन लिखो पेपर और उसके सॉल्यूशन तीन चार आप ऑप्शंस बनाओ एंड फिर ये रीडिंग करो भाई। हाँ, कर सकते हैं। जो फील्ड में आप है उस फील्ड के अगर आप मास्टर है तो एंटेना से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यस तो वो इसके लिए सिखाते हैं। होम्योपैथ, आयुर्वेद, है ना, सारे डॉक्टर्स इसका यूज कर सकते हैं। काफी लोग हर फील्ड में यूज कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बहुत से लोग। एंड और आप क्या बताना बीइंग चाहेंगे, हमारे अप्रोच, वे ऑफ टीचिंग, या उसमें कहीं आपको क्या लगा अच्छा और होना चाहिए, कि ऑलरेडी आपको लगा कि, है ना, जिस तरह से हमने सिखाया वो बढ़िया ही था, कि क्या है? सर हाउ अब वुड तक यू तो बढ़िया ही टेल, था है ना, कि हाउ वॉज योर ट्रेनर? सर, अब तक जो आपने सिखाया सब बढ़िया ही था, एंड इट वॉज सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज था, सिस्टमेटिक था, तो डेफिनेटली कहीं पे मुझे से प्रॉब्लम नहीं आया। तो यू रिकमेंड के लोग इसको, है ना, हमसे सीख सकते हैं। डेफिनेटली सर मैंने इनफैक्ट कल जो आपका मैसेज आया था 3 डे का फाउंडेशन कोर्स का, मैंने अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट भी किया। ओके ओके, गुड गुड, थैंक यू।